लखनऊ में अलीगंज के आईटीआई के अंदर लगी ये लंबी कतारें उन लोगों की है जो अपने बेहतर कल के लिए आज जद्दोजहद में जुटे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी लग सकती है। इसमें सरकार कर रही है इन युवाओं की मदद। अब आपको तफसील से बताते हैं कि ये योजना क्या है, इन लोगों को कौन सी नौकरी बांटी जा रही है। भारत सरकार ने इसराइल से करार किया है। हमास का आतंकी हमला झेलने के बाद इसराइल पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। भारत सरकार से इसराइल ने 42,000 श्रमिक और टेक्नीशियन भेजने का करार किया है। इसमें से 32,000 मजदूर होंगे जबकि 8,000 नर्सिंग स्टाफ होगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल यानी कि NSDC के तहत ये लोग इसराइल भेजे जाएंगे। युद्ध कोई भी हो विध्वंस लेकर आता है और यही विध्वंस इसराइल और हमास दोनों ही झेल रहे हैं। अब इसराइल प्रयास कर रहा है अपने यहाँ निर्माण गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने का। हम जहाँ पर खड़े हैं लखनऊ के राजकीय औद्योगिक संस्थान ITI अलीगंज में, और यहाँ पर युवा अपना पंजीकरण करा रहे हैं, और ये वो युवा हैं जो इसराइल जाने के लिए इच्छुक हैं और इसराइल में निर्माण गतिविधियों में अपना योगदान देंगे। इन युवाओं को यहाँ पंजीकरण करने के बाद एक इसराइल की टीम भी आई हुई है जो उनका टेस्ट ले रही है, और इसके बाद उनका चयन होगा और ये युवा जाएंगे इसराइल में। यूपी में अलग अलग जिलों में ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों के कागजों की जाँच और टेस्ट किए जा रहे हैं। इसराइल जाने वाले लोगों को सालाना 15 लाख से ज्यादा का पैकेज मिलने की बात सामने आई है। अकेले यूपी से कुल 16,000 श्रमिक इसराइल जाएंगे। पहले चरण में 10,000 लोग भेजे जाएंगे। इसराइल में सालाना पैकेज 16.47 लाख का है, यानी हर महीने करीब 1.37 लाख की सैलरी होगी। इसराइल जाने वालों में लकड़ी लोहे का काम करने वाले, शटरिंग, सिरेमिक टाइल और ब्लास्टिंग करने वालों की मांग ज्यादा है। इसराइल जाने के लिए तैयार लोगों की उम्र 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। शुरुआत में 3 साल काम करने का करार भी होगा। हमारे जो कुशल कामगार हैं, उनको इसराइल के मांग के अनुसार वहां पर काम करने के लिए भेजने का एक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। प्रथम चरण में 5,000 हमारे कामगार इसराइल जाएंगे। बहुत लोगों ने आवेदन किया है, संख्या ज़्यादा है। इसराइल सरकार की भी टीम आई हुई है, तो जो हमारे कामगार हैं उनकी एक जो टेस्ट की व्यवस्था इन लोगों ने अपने स्तर पर एक मानक जो निर्धारित कर रखा है उनके अनुसार उनके टेस्ट लेंगे, उनके बाद फिर उनको भेजने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें 4 टाइप से वर्कर जा रहे हैं, जो प्लास्टरिंग का काम करेंगे, टाइलिंग का काम करेंगे, और उसके अलावा वो बार बेंडिंग का जो सरिया मोड़ने वाला उसका काम करेंगे, और शटरिंग का काम करेंगे कारपेंट्री का। 4 टाइप से वर्कर जा रहे हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो है यहाँ की करेंसी से 1,37,500 रुपये सैलरी प्रति व्यक्ति दे रहे हो। अब लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि इसराइल के कई इलाके सुरक्षित नहीं है, तो मिली जानकारी के मुताबिक संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारत से गए श्रमिकों को नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, इन सभी लोगों का बीमा भी करवाया गया है। इसराइल जाने को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है। मुझे यहाँ आने का बहुत अच्छा अवसर मिला, और मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं विदेश जाऊँ, और जाने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, इसलिए मैं इस दौरान यहाँ तुरंत ही चला आया। जो भारत सरकार ने अनुबंध किया है इजराइल सरकार से 10,000 श्रमिकों को भेजने का, क्योंकि वहाँ पे जंग जारी है और आपदा भी आई हुई है, तो उसमें कारीगरों की ज़रूरत पड़ रही है। इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो इधर से कॉल जाएगी, तो हम इजराइल जाके भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे और दोबारा फिर वापसी भारत आएंगे। उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जाने हैं जो इसराइल में निर्माण गतिविधियों को गति देंगे। उसके लिए यहां ITI अलीगंज में युवाओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और ये युवा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां आए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका यहां पर प्रैक्टिकल हो रहा है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद इनको कॉल आएगी, और उस कॉल के बाद ये इसराइल जा सकेंगे, और इसके लिए यहाँ युवाओं ने सरकार का आभार भी जताया है। लखनऊ में कैमरा पर्सन अविनाश सिंह के साथ दुर्गा शर्मा, DD News।